बिहार में 1 अप्रैल से शराबबंदी शुरू हो गई है। नीतीश सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले पर मुहर कैबिनेट से लेकर विधानसभा तक में लग गई है और विधायकों को भी शराब ना पीने की शपथ दिलाई गई। देखिए बिहार विधानसभा का वो दृश्य जिसमें विधायकों को शराब ना पीने की शपथ दिलाई जा रही है। आज पूरे सदन में इस ऐतिहासिक विधेयक को हमने सर्वसम्मति से पारित किया और हमने सर्वसम्मति से संकल्प लिया है कि हम न खुद शराब पिएंगे और जो सदन के बाहर पीने वाले लोग हैं उनको इस लत से अलग करने की हम पूरी ईमानदारी से भरपूर कोशिश करेंगे और सरकार की इस नीति को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग करेंगे। इस विधेयक को विधानसभा में पारित करवाकर नीतीश कुमार सरकार ने अपने चुनावी वादे को पूरा किया है। मालूम हो कि बिहार में सरकार से लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकानें बड़ा चुनावी मुद्दा बन गई। नीतीश कुमार ने सरकार में आते ही अफसरों को इसके लिए एक एजेंडा तैयार करने का निर्देश दिया था और सार्वजनिक रूप से कहा था कि राजस्व के नुकसान के बावजूद हम इससे कदम पीछे नहीं खींचेंगे। इसके बाद नीतीश कुमार ने इस शराबबंदी पर महिलाओं का आभार भी जताया। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 1 करोड़ अभिभावकों ने शपथ पत्र दायर कर दिया है, शराब पिएंगे नहीं और नहीं पीने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। इस प्रकार के शपथ पत्र पर 1 करोड़ अभिभावकों ने हस्ताक्षर करके जमा कर दिया। 7 लाख स्थलों पर शराबबंदी के पक्ष में और शराब पीने की प्रवृत्ति के विरुद्ध नारे लिखे गए। तो जो लोक शिक्षण और जागरूकता का अभियान चलाया गया है उसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं और आज जो दोनों सदनों ने इसको सख्ती से लागू करने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान किए हैं उसको जो सर्वसम्मति से पास किया गया है उससे और स्पष्ट संदेश जाएगा। अब कोई अवैध ढंग से शराब बनाएगा और लोगों को पिलाएगा और अगर उनकी शराब पीने वालों की मृत्यु हो जाती है तो वैसी स्थिति में वैसा शराब बनाने वाले को और उस प्रकार का शराब लोगों को पिलाने वाले को मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया। और यही नहीं, अगर सार्वजनिक स्थल पर कोई शराब पीकर उधम मचाएगा उसको भी सख्ती से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। और इस प्रकार से जो भी संभावना जितनी है कि किस प्रकार के अपराध हो सकते हैं इस सिलसिले में उन सबों के बारे में जो सख्त प्रावधान किया गया है तो उसके चलते अब ये स्पष्ट संदेश गया है कि इस मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता है और सभी दलों ने सदन में सर्वसम्मति से संकल्प लिया, हर सदस्य ने संकल्प लिया है कि न तो पिएंगे और दूसरे जो पीते हैं उनको नहीं पीने के लिए प्रेरित करेंगे और सरकार के द्वारा जो शराबबंदी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और कदम उठाए जाएंगे उसका पूर्ण रूप से समर्थन किया जाए। तो इस कारण से आज का ऐतिहासिक दिन है। मैं दोनों सदनों के सभी माननीय सदस्यों को और सभी पार्टियों को मैं इसके लिए बधाई देता हूं, बिहार की जनता को बधाई देता हूं। महिलाओं की मांग पर मैंने इस बात की घोषणा पिछले वर्ष 9 जुलाई को की और आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कि 1 अप्रैल से बहुत ही मजबूती के साथ इसको लागू किया जा रहा है। तो अपने आप में यह एक बहुत ही ठोस कदम है और मेरा पक्का विश्वास है कि इस निर्णय से और इसे लागू करने से, शराबबंदी को लागू करने से बिहार में सामाजिक परिवर्तन आएगा, लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा और ये किसी भी राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि लोगों के जीवन स्तर को उठाए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखे। बिहार में शराबबंदी कानून लागू हो गया है और नीतीश के शब्दों में माने तो इसका कड़ाई से पालन भी किया जाएगा। ऐसे में विधानसभा में विधायकों के शपथ ने भी एक नई और स्वस्थ परंपरा को जन्म देने की ओर एक कदम जरूर है।